हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रयादीप ब्लॉग्स। गाइस कैसे हैं आप सब? बहुत वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे एंड आई रियली विश कि आप बहुत अच्छे रहें। सो गाइस, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, बेसिकली मैं बहुत 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 दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आई थिंक 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एंड उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वीडियो मुझे क्यों नहीं, मतलब मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही थी, किसी भी टाइप की कोई रेसिपी वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही थी, बहुत बिजी चल रही थी एंड इतना बिजी स्केड्यूल अभी भी है मेरा भी। बट मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं किया था एंड एक दो चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो एक्चुअली ऐसे हो गया कि मैंने बीच में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, नवरात्रि का फर्स्ट डे था तब मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ में ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी एंड ब्लॉगिंग करूँगी एंड मैंने आधी वीडियो शूट भी कर दी थी एंड उसके बाद बेसिकली ऐसे हो गया कि मेरा पता नहीं क्यों मेरे तो मतलब सारी वीडियोज़ जो है वो एरर में चली गई है एंड उसके बाद मुझे वीडियो वो अपलोड करने मिली ही नहीं। तो मैंने बोला कि जाने तो कोई बात नहीं, एकदम ऑलरेडी बिजी शेड्यूल था, अब दोबारा उसको मैं रिक्रिएट नहीं कर सकती थी उस वीडियो को, बिकॉज वो एक सर्टन टाइम था जब हमें वो शूट करना था एंड वो आपके साथ शेयर करना था जो नहीं हो पाया। सो कोई नहीं, नवरात्रि जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, आपको भी पता है ऑलरेडी आज का शायद से 6th या 7th डे होगा, मुझे बेसिकली डेज याद नहीं होते हैं। तो आज छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा मेरा मॉर्निंग से जो भी काम था सब अटक लिया था, तो अभी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ, आज एटलीस्ट एक छोटा सा व्लॉग मैं बनाती हूँ। तो आज मैं जो है थोड़ी सी चीज़ें करने वाली हूँ, लाइक कुछ चीज़ें बनाने वाली हूँ, एक नॉर्मल एक जो भी है वट एवर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे कि मैं क्या करने वाली हूँ और क्या नहीं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी कि नवरात्रि में इस बार जो है हमारे घर पे जो है दीपक के कुलदेव होते हैं, आई डोंट नो, मुझे उनके बारे में ज़्यादा कोई चीज़ पता नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो वो हमारे घर पे बिठाए हैं एंड दशहरे वाले दिन यू नो बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड आई डोंट नो कि मुझे कुछ करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाइक ब्लॉगिंग एंड ऑल तो बहुत मुश्किल ही हो जाएगा मेरे लिए जैसे कि, बट देन तो मैं कोशिश करूँगी कुछ पार्ट्स आपके लिए लेने की कोशिश करूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी ये जो कुलदेव हमने बिठाए हैं। तो एक छोटा सा लुक पहले आप वो देख लीजिए। एंड ये रंगोली जो है ये मैंने बनाई थी एंड ये अभी तो हाल फिलहाल ख़राब हो गई है, मैं इसका एक प्रॉपर मैंने एक वीडियो क्लिक किया था जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड ये हमने घट स्थापना जो की थी ये एक्चुअली मैंने नहीं आई नहीं की थी। तो ये देख लीजिए ना इसमें कितने अच्छे वाले झाड़ आ गए हैं, साथ ही ये कुलदेव वगैरह जो भी बिठाए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी एंड जिस दिन भी घट स्थापना वगैरह हुई थी वो मैंने वीडियो क्लिक किया था एंड उसके बाद वीडियोज एरर हो गए एंड मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। सो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अभी मैं करने वाली हूँ कैमरा सेट एंड उसके बाद मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ एंड ये व्लॉग में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आज का जो व्लॉग रहेगा ये रेसिपीज़ व्लॉग रहेगा, इसमें मैं 1 से 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी एंड आई होप कि मेरी चीज़ें सफल हो और इस बार एटलीस्ट आप तक ये व्लॉग पहुँच जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना कि क्या क्या चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हमारे सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं हाल फिलहाल पहले सबसे पहले बनाऊँगी ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ें रहेगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास रखा है ब्रेड एंड मैं बनाने वाली हूँ मेरी मम्मा की फेवरेट नाश्ता वाली रेसिपी जो हम यूजली बना के खाना पसंद करते थे एंड आजकल जो है सेम रेसिपी को कुछ अलग तरीके से बनाकर ट्रेंड बनाया गया है, यानी ये हमारी बचपन की रेसिपीज़ हुआ करती थी। आई थिंक ये जो 90s के जो किड्स हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगी कि ये रेसिपी लाइक हमारे टाइम में हम लोग हमारी मम्मियाँ हमें जो है ऐसे दूध में जस्ट गर्म करके देती थी एंड मैं इसको जैसे मेरी मॉम हम लोगों को फ्राई करके देती थी बिल्कुल उस तरीके से बनाऊँगी, ना कि मैं कोई न्यू ट्रेंड इस्तेमाल करूँगी। मैं आज बनाने वाली हूँ मीठे ब्रेड की रेसिपी एंड वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारे लिए था हमारा इंस्टेंट 2 मिनट वाला नाश्ता। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता था एंड आज की जो ट्रेंड अभी जो चल रही है उसके हिसाब से अगर आप ये रेसिपी को अगर देखोगे तो लोग क्या करते हैं, दूध में शक्कर डाल के उसको मिक्स करते हैं एंड उसके बाद ब्रेड को बटर में डाल के उसको फिर आगे पीछे से पलटी करके उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हैं। बट मैं आज ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारी मम्मी इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाती थी एंड वो एकदम उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा नाश्ता, तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आज हम लोग ट्राई करेंगे इंस्टेंट रसमलाई का पैकेट।
सो गाइस यहाँ पे देख लो मैंने ना सारी चीज़ें इस तरीके से निकाल दी है। पहले हम लोग यही बनाना शुरू करने वाले हैं बिकॉज़ ये फिर ठंडा वगैरह होगा ना इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे पाउच ए एंड बी दोनों अलग अलग कर दिया है एंड इसमें जो भी स्टेप्स दिए हुए हैं बिल्कुल वो सारे स्टेप्स को जो है हम लोग फॉलो करके ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो चलो इसको करते हैं इस तरीके से, ऐसे रख देती हूँ मैं। वैसे गिट्स वालों ने मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं दिया है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं ये आज बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है मैं यहाँ पे ना आपको वन बाय वन करके सारे स्टेप्स जो लिखे हुए हैं ये सब कुछ मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी एंड पढ़ने के बाद हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है 2 लीटर पानी एक चौड़े बर्तन में उबलने के लिए रख दीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 2 लीटर पानी को रख देते हैं और पूरा सिंपल सेम वे में जो है सेम तरीके से हम लोग सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड देखेंगे कि हमारी जो गिफ्ट्स की रसमलाई है वो कैसे बनती है और हमारा ये एक्सपीरियंस जो है ये कैसा जो है होता है। तो आई होप कि अच्छा हो। ये पानी रख दिया है मैंने, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। पाउच ए की सामग्री को एक तश्तरी में डालकर उसमें 45 to 50 मिली 1/3 कप दूध, छोटा चम्मच घी, मक्खन डालिए और मिलाइए। एक और छोटा चम्मच घी मक्खन डालकर इसे गूंद और नरम बनाइए। ओके, सो ये हिंदी में पढ़ने से बेटर है कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। ऐड ग्रेजुअली 45 to 50 ml 1/3 कप मिल्क, 1 teaspoon घी, बटर एंड मिक्स। ऐड अनदर 1 teaspoon ऑफ घी, बटर एंड नीड जेंटली टू मेक अ सॉफ्ट डो, ठीक है। एक डो रेडी करना है हमें पाउच ए की पैकेट से, तो मैं ये अभी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा आटा वाला बर्तन ले लिया है जिसमें मैं ये डालने वाली हूँ एंड घी तो मैंने अभी तक निकाला ही नहीं है, फ्रिज में से मेरा घी पूरा जमा हुआ होगा। सो इस तरीके का ये पैकेट में कुछ आप देख सकते हो बैटर का मिक्सचर रखा है, इसमें डाल देते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। ओके, सो मैंने ना यहाँ पे दूध ले लिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म दूध है और यहाँ पे मैं घी जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 teaspoon घी बोला है तो 1 teaspoon घी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं। एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें इससे, तो हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हल्का हल्का दूध डाल के जो है इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। कितनी ही बनी है, मैं तो सोच रही हूँ कि इसके जो छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना रसमलाई में, इतने छोटे 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 रसगुल्ले जो होते हैं वो बना दूँ। सबसे पैकेट ला के रखा हुआ था, सोचा आज बना ही दूँ इसको। तो ये घी इसमें मिक्स हो गया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा डो ले थोड़ा थोड़ा जो है दूध डाल के डो बना लेते हैं। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से ये डो जो है तैयार हो गया है। अभी इसको जो है मैं थोड़ा सा और इसमें घी ऐड कर दूंगी और इसे जो है दोबारा हल्के हाथ से अच्छी तरीके से हमें घी में एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है, ठीक है, और ये कितना छोटू सा डो बना है। सो ये जो स्पैचुला होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके आटे को जो है चिपके हुए आटे को निकालने में। और इस तरीके से जो है हमारा एकदम सॉफ्ट वाला जो है डो तैयार हो गया है, ठीक है। चलो अब सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि हमारा जो पानी हमने उबलने रखा था वो भी उबल गया है। सबसे पहले तो मैं हाथ धो देती हूँ, सबसे पहले मैं स्टेप पढ़ती हूँ। और ये आधा कप जो मैंने दूध लिया था इसमें से इतना इतना दूध बच गया है, ठीक है, यानी हमें 1/4 के आसपास जो है दूध का इस्तेमाल किया है इसमें। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ जो है डिवाइड द डो इनटू 16 इक्वल पार्ट्स एंड शेप देम इनटू बॉल्स, प्रेस ईच बॉल टू मेक अ डिस्क शेप, यानी हमें चौड़े आकार के बनाने हैं। इमर्ज द डिस्क इनटू द बॉइलिंग वाटर कवर पार्शली एंड कंटिन्यू बॉइलिंग ऑन मीडियम हीट एंड फॉर 10 मिनट्स। प्रिपेयर शुगर सिरप बाई एडिंग 200 ग्राम शुगर टू 200। ये फोर्थ स्टेप है। सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप हम लोग पहले कम्प्लीट करते हैं। तो पहले हम लोग जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्टेप है वो पहले ले लेते हैं। तो मैं इसको जो है 16 के बदले जो है थोड़ा सा ज़्यादा हम कर देते हैं, थोड़े छोटे छोटे रखते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पोर्शंस नहीं रखेंगे। तो मैं इसको पहले डिवाइड कर देती हूँ। तो ये गिट्स वाले जो रसमलाई है ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने पहले इसके पहले कभी किया नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला ना कि ये एक्सपेरिमेंट हम कर तो रहे हैं बट देखते हैं कि ये सफल होता है या नहीं।
तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए मेरे जो हमने बॉल्स रेडी कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बॉल्स बने, तो टोटल 21 बॉल्स जो है मेरे बन गए हैं। एंड यहाँ पे पानी भी जो है गर्म हो गया है, तो अभी ये पानी में थोड़ा उबाल आ जाएगा। उबाल एक्चुअली आ गया था, मैंने उसको स्लो कर दिया था बिकॉज ऑफ मेरे बॉल्स रेडी नहीं थे। तो अभी जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, ये वाले जो बॉल्स हैं हमें इसके अंदर डालना है। एंड इसको जो है बॉइल करने के लिए हमें छोड़ देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए ढककर। तो इसके अंदर देख लीजिए बॉइल आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं 1 by 1 करके सारे जो बॉल्स हैं वो इसमें ऐड करूंगी। फिंगर्स क्रॉस किया है मैंने ताकि मेरे बॉल्स फटे नहीं। एंड मैं ना मेक श्योर कर रही हूँ कि साइड साइड में ही ये बॉल्स जाए, ना कि एक के ऊपर एक रहे। अभी इसको जो है मैं ढाक के हम लोगों को इसको बॉईल करना है। लाइक इसे तकरीबन जो है हमें 10 मिनट के लिए एटलीस्ट इसको ढाक के इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। सो मैं इसे अभी ढाक देती हूँ। और हम लोग जो है हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 4 जो है ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। प्रिपेयर शुगर सिरप बाय एडिंग 200 ग्राम शुगर टू 200 ml 1 and 1/2 कप वाटर। हीट अंटिल शुगर डिजॉल्व। ट्रांसफर डेक्स फॉर द वाटर इनटू द शुगर सिरप। सो फॉर 5 मिनट्स। ओके, सो ये वाला जो हमने रखा है इसे हमें 10 मिनट्स के लिए इसी पानी में छोड़ देना है, ठीक है। एंड उसको हीट करना है फॉर 10 मिनट्स के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले टाइम चेक कर लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 10:15। तो हम लोगों को इसे रखना होगा 10:25 तक। 25 तक हमें इसको रखना होगा। एंड उसके बाद जो है हमें इसे निकाल देना है। एंड उसके बाद उसे हमें शुगर सिरप में जो है 5 to 6 मिनट्स के लिए सोक करना है। तो मैं अभी बना रही हूँ शुगर सिरप। एंड शुगर सिरप की प्रिपरेशन में स्टार्ट करती हूँ। तो मैं शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे एकदम छोटी सी मतलब पतीली ली है, इनफ हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है हमें 1.5 कप जो है पानी ऐड करना है। 200 ग्राम जो है शुगर ऐड करना है। तो अभी मैं ये चाशनी को रख रही हूँ गैस पर। और इसे हमें जो है एक तार वाली चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस नॉर्मल चाशनी बनानी है। तो मैं इसको जो है रख देती हूँ गैस पर। ओके, तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है हम बढ़ते हैं हमारी आगे के स्टेप पर। तो आगे का क्या है ये पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट एम्प्टी कंटेंट ऑफ पाउच बी इंटू 400 ml 2 3/4 कप मिल्क। हीट स्टरिंग कंटिन्यूसली अंटिल मिक्स डिजॉल्व कम्प्लीटली। Remove the decks from sugar syrup, place them in a empty bowl, pour in the rust, mix, chill and enjoy delicious rasmalai. So अभी यहाँ पर क्योंकि रसमलाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पिस्ताज वगैरह यूज़ किया जाता है, तो आई डोंट हैव योर पिस्ता एंड ऑल, ठीक है। तो पहले तो ये वाला जो मिक्स है इसको जो है मैंने दूध का अलग से जो है लेकर आई हूँ, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको जो है हम लोग अच्छी तरीके से पकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक साइड में रखा है हमारे जो रसगुल्ले जिसको हम बोलते हैं रसमलाई के बॉल्स जो हमने बनाए थे उसको मतलब पकने के लिए हमने रखा है। तो मैं आपको हल्के से बता देती हूँ। ये देख लीजिए ये किस तरीके से जो है शेप में डबल होके ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हो। इसे मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा इसे हल्की भी कर देती हूँ। वैसे तो आई डोंट थिंक सो इसको हिलाने की नीड है, बट देन टू मैंने सोचा कि मैं हल्के से थोड़ा सा जो है हिला देती हूँ इसको। ये खुद ही हिल रहा है, ठीक है। इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसके 10 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड मैं आपको चाशनी भी बता देती हूँ। इसको तो मैं सबसे पहले भाप देती हूँ इस तरीके से। एंड इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारी चाशनी जो है ये भी बन रही है। एंड ये शुगर डिजॉल्व होने तक जो है इसको हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं। एंड इसमें जो है मैं थोड़ा सा जो है केसर भी ऐड करूँगी मेरे टेस्ट के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे हम केसर के 3-4 जो थ्रेड्स हैं वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। एंड इसके अंदर आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा नींबू का रस ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जो है ऐसे ही अभी हाल फिलहाल ये कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। वंस ये शुगर डिजॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। ओके, सो गाइस देख लीजिए मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। एंड मैं ये पाउच आपको बता देती हूँ, ये बी वाला पाउच है जो मैंने ओपन किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अभी हाल फिलहाल मैं इसको ठंडे दूध में ही मिक्स कर रही हूँ पहले ताकि गुठलियाँ नहीं बने। एंड इसको हल्के हाथ से हम लोग पहले मिक्स कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे। सो आप देख सकते हो इसके अंदर चीनी वगैरह सब कुछ होती है, तो हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ डालने की नीड नहीं है। बट देन टू अगर मुझे लगता है कि मुझे ये मीठा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर अपने एंड से जो है चीनी, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं खुद से भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सो इनोवेशंस या फिर रिक्रिएशंस वो टोटली आपके हाथ में होता है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको गैस पे चढ़ा देते हैं हम लोग। यहाँ पे ना गाइस देखिए मेरी जो चाशनी है ये बनकर रेडी है। मैं इसको हटा देती हूँ। मैं सेम गैस पे जो है जो हमारी हमने अभी इस वक्त रेडी किया था ये हम इसके अंदर इस पर इस तरीके से चढ़ा देते हैं। अभी इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाना है। तो मैं इसको कैमरे को जो है मोबाइल को सेट कर देती हूँ स्टैंड पे, एंड उसको फिर कंटिन्यू स्टर करते हुए भी आपको शो करती हूँ।
सो गाइज़ ये यहाँ पे हो गया है एंड मैं इसको जो है बंद करके जो है इसी तरीके से जो है ढाक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं गैस जो है सबसे पहले तो ऑफ़ कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको हम इसी तरीके से ढाक के रखेंगे एंड हम लोग जो है हमारी ये वाली ग्रेवी के ऊपर जो है हम लोगों को ध्यान देना है। एंड अभी जो है मैंने गैस को थोड़ा सा एकदम स्लो आँच पे रख दिया है वहाँ पे, क्योंकि मुझे 2 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कचरा गाड़ी आ रही है, तो मुझे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि कचरा वगैरह सब मैं डाल दूँ एंड वंस डाल के हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमारी जो रसमलाई की रेसिपी है वो हम कंटिन्यू कर सकेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे अभी चाशनी में जो है हमारे जो बॉल्स हमने रेडी किए हैं ना गुलाब जामुन वाले, तो हम लोग जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे और वन बाय वन करके सारे बॉल्स को जो है निकाल के इस तरीके से हम लोगों को जो है ऐड करना है। तो ये बॉल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सो केयरफुल तरीके से हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे एंड इसमें लोगों को छोड़ देना है तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने ना अपने सारे जो रसमलाई के जो बॉल्स हैं इसको मैंने चाशनी में डिप कर लिया है एंड इसको जो है मैं अभी इसी तरीके से ढाक के रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, इसको हमें इसके अंदर सोक करना है। तो मैं इसको इस तरीके से ढाक के छोड़ देती हूँ एंड तब तक हमारी जो रसमलाई वाली जो रस है वो भी तैयार हो जाएगी एंड ये अच्छी तरीके से डिप हो जाएंगे, अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। तो ये एक बार हो जाएगा देन हम लोग जो है प्रिपेरेशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम चलते हैं हमारे नाश्ते की तरफ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो मैं सोच रही थी कि अभी मुझे स्वीट ब्रेड बनाना है तो उसके लिए जो है मेरे को क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा जो मिल्क है ये हल्का सा पक रहा है एंड इसको ना मुझे थोड़ा सा जो है हल्का सा, क्योंकि ये मुझे जो है ज़्यादा पतला नहीं लग रहा है, मतलब ज़्यादा ही पतला लग रहा है एंड मुझे इतना पतला नहीं रखना है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसमें थोड़ा सा मेरा ट्विस्ट दे ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मिल्क पाउडर ली है, इसमें से मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, ठीक है। तो ये मिल्क पाउडर को जो है हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, लम्स फ्री जो है हम लोग एक पेस्ट बना देते हैं, इससे ना टेस्ट थोड़ा सा रिचनेस भी आ जाएगी और थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ जाएगा इसमें। और ये इसमें हम ऐड कर देते हैं, आप देख सकते हो मैंने जो भी चीज़ें जो है फॉलो की है वो बिल्कुल जो है इसमें जैसे लिखी गई थी बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो की है, क्योंकि मुझे ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से देखकर मतलब गिट्स मुझे ट्राई करना था कि ये किस तरीके से बनती है और एक्सपीरियंस लेना था कि जो रेडी वाले होते हैं वो भी उसी तरीके से बनते हैं कि जिस तरीके से हम नॉर्मल वेज में बनाते हैं अपने घर में। और अब जो है मैं इसको हल्का उबाल आने तक जो है इसको पका लेती हूँ और उसके बाद जो है हम चलेंगे हमारे मीठे ब्रेड की तरफ, क्योंकि हमें रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, बिकॉज एकदम गर्म गर्म जो है हम नहीं कर सकते एंड क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है तो मुझे इसको 5 से 6 मिनट और उबालना पड़ेगा। 5 से 6 मिनट के लिए जो है मैं उबाल लेती हूँ और उसके बाद आपको शो करती हूँ। तो गाइस ये हो गया है, मैं इसको अभी रख देती हूँ, गैस को जो है मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको जो है मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना तब तक जो है इसके बाद हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। तब तक मैं अपने जो मीठे टोस्ट हैं वो बना के मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो चलो बढ़ते हैं हमारे मीठे ब्रेड की तरफ एंड हमारी जो आजकल की न्यू ट्रेंडिंग रेसिपीज़ जो चल रही है, जो कि हम यूजुअली 90s में बना के खाना करते थे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड बनाना शुरू करते हैं हमारे मीठे टोस्ट। तो ये गैस मैंने ऑफ़ कर दिया एंड अभी हम लोग सीधा बढ़ेंगे हमारे मीठे टोस्ट की तरफ। ये जो है अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हल्का सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सो एकदम भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और एकदम भी ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। सो इसको करते हैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं एंड हमारे मीठे टोस्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके तो चलो शुरू करते हैं, एकदम सिंपल मेथड से जो है मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक स्पून ले लेती हूँ अच्छे तरीके से साफ करके। यहाँ पे मैंने जो है ना एक बाउल में 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है, ठीक है। अब क्या करना है ना, हमें इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के चीनी, ठीक है। मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ तो मैं थोड़ा कम ही ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून चीनी है, इसको हम लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से घोल लेते हैं, यानी ये चीनी को पूरी तरीके से डिज़ोल्व होने तक हमें इसको घोलना है इस तरीके से बस। और आपको कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना है, बस आप चाहो तो इसके अंदर 1 चुटकी नमक और 1 पिंच के आसपास जो है इसके अंदर इलायची पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं इसको इसी तरीके से खाना पसंद करती हूँ। एंड इसके अलावा जो है इसके अंदर एग यूज़ किया जाता है, बट क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू हुआ है तो नवरात्रि में हम लोग जो है नॉनवेज नहीं खा सकते। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे एग वाले जो ब्रेड टोस्ट होते हैं वो मीठे टोस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये मुझे लिटरली नहीं पसंद, मैं पहले से नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसमें एग का स्मेल आता है एंड मुझे एग ज़्यादातर नहीं चलता है, मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो मैं अवॉइड करती हूँ खाना। तो इस तरीके से जो है इसको मैं अच्छी तरीके से खोल लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। उसके बाद ये चीनी जो है पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गई है, ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी चीनी का कुछ भी दाना नहीं है और जितना मुझे मीठा चाहिए उस हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है, इसलिए हम लोगों ने इसे कहा ना कि हम 2 मिनट्स में किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी जो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ब्रेकफास्ट रेसिपी है, जो जब हम छोटे थे तब मेरी मम्मा इसको यूजली बना के देती थी एंड हम लोग इसको बहुत क्विकली, जब मम्मी नहीं भी होती थी हमें भूख लगती थी, हमारे घर में ब्रेड्स रखे होते थे, हम इसे बना के खा लेते थे क्योंकि ये बहुत क्विकली एंड बहुत ईजी वे में बन जाती थी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूध में जो है मैंने चीनी डिजोल्व की है। अभी जो है मैं गैस पे जो है सबसे पहले एक इस तरीके का कोई पैन जो है आपको चढ़ा लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैन को अच्छे तरीके से धो लिया है, तो अभी ये जो पैन का जो पानी है पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए। तो मैं तब तक ये क्या करती हूँ ना, मैं गैस की तरफ आपको जो है पूरा जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। ओके सो ये पैन गर्म हो गया है एंड अभी मैं इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून जो है घी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप खुद बोलोगे कि एकदम इजी है, अरे ये तो एकदम इजी स्टेप है, अभी जो ट्रेंड में जो रेसिपीज चल रही है उस हिसाब से भी एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है अभी हमें। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड का स्लाइस रखा है, गैस को जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, एकदम फास्ट नहीं होना चाहिए, और ये जो मेरा पैन है ये काफ़ी यूज़ करके पतला हो गया है तो मैंने एकदम ही गैस को कम कर दिया है। सो अभी मैं क्या करूँगी ना, ये जो दूध है इसमें मेरे को इस तरीके से ये ब्रेड के स्लाइस को डिप करना है, ठीक है, और इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा एक्सेस मिल्क निकाल लेंगे हम लोग और यहाँ पे इसके अंदर हम करके फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो है आने तक इसको एक साइड से हम फ्राई करेंगे। एंड इसमें मज़ा क्या आती है ना कि हम इसके अंदर जो असली घी वाला जो टेक्सचर देते हैं ना जिससे टोस्ट करने के टाइम पे, और जो चीनी हम इसमें डालते हैं वो जो क्रिस्टलाइज होती है उसमें जो है मज़ा एक अलग ही होती है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। एंड बिलीव मी, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से भी अगर आप जाओगे एकदम सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। बस हम क्या करते थे ना, दूध में इसको डाल के हम लोग जो है डायरेक्ट टोस्ट कर देते थे, और अभी के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ब्रेड को डाल देते हैं, हल्का हल्का टोस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद उसके अंदर दूध ऐड करते जाते हैं तो लगभग सेम प्रोसेस है, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस इसको दोनों साइड से जो है मेरे को हल्का सा जो है ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है, दैट्स इट। हाँ, आप कोशिश करना अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला अगर कुछ है तो आप उसमें बनाने के लिए ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो ये चिपकना शुरू हो जाता है, तो वो आप ट्राई कीजिएगा। सिर्फ तो मैं दूसरे साइड से फिर से एक बार पलटा देती हूँ। मस्त अच्छा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी एवोकाडो चीज़ टोस्ट की रेसिपी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा एवोकाडो ख़राब हो गया। चलो मैंने सोचा कोई नहीं, इसको अभी चेंज कर देते हैं और इसके बाद जो है मीठे टोस्ट ही बना के खा लेते हैं। सो ये टोस्ट मेरा यहाँ पे हो गया है, अभी मैं इसको निकाल देती हूँ और इसी तरीके से जो है मैं अभी मेरे दूसरे टोस्ट भी बना लूँगी। सो राइट दोस्तों, मेरी सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है, मेरी रसमलाई की चीज़ें मेरी यहाँ पे जिसमें मैं डिश आउट करने वाली हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा नाश्ता ये भी रेडी हो गया है। इसके ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा जो है हनी डिप कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं। तो मैं जो है इसको मैं थोड़ी देर के बाद में खाती हूँ, इसमें रखती हूँ साइड में, पहले हम इसमें जो है हमारे रसमलाई जो है वो प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्पून पहले ले रही हूँ, ठीक है। तो इसमें से जो है मैं एक रसमलाई इस तरीके से एक बॉल जो है रसमलाई का मैं यहाँ पे 3-4 बॉल्स निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो सो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाए थे, आप चाहो तो आप इसके बड़े बड़े बॉल्स बना सकते हो। हम लोग यहाँ पे कैसे ना ज़्यादा इसमें कैसे हो जाता है एकदम बड़े बड़े बॉल्स जब अगर बना लेते हैं लेकिन उसके बाद वो खाए नहीं जाते, इसलिए जो है हम लोग मेक श्योर करते हैं कि छोटे छोटे रहेंगे तो कैसे ना खाने में भी आते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला रस, तो ये आप देख लीजिए ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, ठीक है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, इसे हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है कुछ बादाम काट के रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास पिस्ताशियोज नहीं थे तो मैंने इसे पतला पतला काट लिया था हाथ से, तो मैं अभी इसमें जो पतली पतली जो स्लाइसेस है वो इस पर ऐड कर देती हूँ। एंड क्योंकि ये रेसिपी जो है बहुत ही क्विकली बन जाती है एंड आप इसको यूजुअली हम उपवास वगैरह में भी ये दूध वगैरह की चीज़ें खा सकते हैं, तो आप इसको जो है अपने घर में उपवास के लिए या फिर प्रसाद के तौर पे भी बना सकते हैं। एंड आई होप आपको जो है मेरी आज की दोनों रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, यही मैं चाहती थी। एंड आप इन दोनों रेसिपीज़ को जो है ट्राई करना, अगर ट्राई करने के बाद आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अपने लव वंस तक हमें ज़रूर पहुँचाना। सो इसको मैं करूँगी एक बार जूम अपनी दोनों रेसिपी को एंड ट्राई करेंगे अपनी दोनों रेसिपी ये किस तरीके से बनी है।
गाइस दोनों रेसिपी को जरूर ट्राई करना अपने किचन में एंड फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आज सोचा था मैंने कि मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है। सो मैं अभी जो है इन्जॉय करने वाली हूँ अपने ब्रेड टोस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा लगने वाले हैं यम। ना ज़्यादा मीठे ना ज़्यादा फीके, एकदम नॉर्मल और एकदम क्रिस्पी, एकदम मज़ेदार बने हैं, एकदम मेरी मम्मा वाली स्टाइल में। सो आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी, रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्दी जो है मैं मिलूंगी आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।